अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट शायान और आपको वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हैदराबाद बर्ड्स में। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो असील्स की डिवॉर्मिंग के ऊपर है। ठीक है जी, मैं डिवॉर्मिंग करने जा रहा था क्योंकि मेरी जो पुरानी फीमेल है वो कमज़ोर सी हो रही है, खा भी रही है उसके बावजूद, तो मैं डिवॉर्मिंग करता हूँ दोस्तों रेंटल से। ठीक है जी, वन डोज जो है ये इसकी डिवॉर्मिंग हो जाती है, वन डोज ट्रीटमेंट है रेंटल। ठीक है, ये भी कोई महंगा नहीं है, 28-30 रुपए का सिरप है। ये मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी, ठीक है जी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करा है ताकि जो शीशी के अंदर दवा है वो अच्छे से हिल जाए। ये आधी बोतल है पानी की, तो इसके अंदर जो है ये मैं सारा जेंटल मिला दूंगा। तो मैं जेंटल मिलाने जा रहा हूँ। जेंटल मैंने इसमें मिला दिया, इसमें मैंने पानी मिलाया था ताकि शीशे के अंदर जो भी दवा वगैरह बची है तो वो अच्छे से चली जाए बॉटल में। ठीक है जी, ये चेक कर लें जीएसके वालों के जेंटल। ठीक है जी, मैं इसको हिला लेता हूँ अच्छे से और ये बस ये पानी में डाल दें और इससे जो हमारे परिंदों की डिवॉर्मिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मैं पानी में डाल के आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है जी, जेंटल वाला पानी में लगाने जा रहा हूँ सबको। तो ये जो है पहले बड़े पैर को, अच्छा नुकसान नहीं है इसका। ठीक है जी, आप 1.5-2 महीने बाद अपने चूज़ों की भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी, इसका नुकसान वगैरह नहीं है। तो पैर घूम रहा है हमारा माशाल्लाह। ठीक है जी, मैं इसको अंदर करता हूँ क्योंकि अब इसने मेरे ख्याल में अंडा ले करना है, दूसरी फीमेल्स को जो है डालता हूँ। चलो मैं इनको अंदर करता हूँ, ये पी भी लेंगे पानी। दाना भी खा लेंगे, पानी भी पी लेंगे। फीमेल तो माशाल्लाह जो है फीमेल का पोटा फुल ही रहता है दाने से। ठीक है जी, तो दाना वगैरह खा लेंगे ये। ठीक है जी, पानी पी लेंगे आके क्योंकि ये पानी ज़्यादा पीते हैं बर्ड्स, गर्मियाँ भी चल रही हैं। इन्हें भी डालता हूँ दोस्तों। ठीक है जी, वाइट वाली फीमेल माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव। ठीक है जी, बाहर निकाल के मैं चले वाइट वाली दिखाता हूँ। आओ आओ, ठीक है जी, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल एक्टिव, कमज़ोरी भी दूर करके वो वीडियो भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है जी, बेहतर हो रही है, काफ़ी बेहतर है पहले से, पीठे वगैरह भी अब सही कर रही है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, दवाई मैंने बंद कर दी है, 2 दिन से दवाई इसकी बंद है। मैं दाना डालता हूँ इनको। ठीक है जी, सुबह सुबह बस मैं एक टाइम इनको दाना डाल देता हूँ, दूसरे टाइम अगर घर के बचा हुआ खाना वगैरह रोटी वगैरह होती है तो मैं वो इनको डालता हूँ बर्ड्स को। ठीक है जी, ये जेंटल वाला पानी ये हमने डाल देना है इनको। ठीक है जी, ये भी डाल दिया, इनको अंदर करता हूँ। ठीक है, शाम को सारे सील्स को मैं खोल देता हूँ, सारे ये चेक कर रहे हैं माशाल्लाह एक्टिव है, सारे मज़े से घूम रहे होते हैं। अभी बड़ी फीमेल को खोल दिया, मेन मैंने करी है डिवॉर्मिंग उसकी वजह से सारों की, क्योंकि मैंने कहा एक की कर रहा हूँ तो सबकी ही कर दूँ, बड़ी फीमेल बहुत वीक हो रही थी। चलो चलो, ठीक है जी, दाना पानी खाने का टाइम है, इनके दाना पानी खाएंगे। ये हमारी पुरानी जो बड़ी फीमेल है, ठीक है जी, कमज़ोर सी हो रही है बस, दुबली पतली सी और कुरीस भी कर रही है। दाना
दाना वगैरह भी इसे ठीक दे रहा हूँ, खुराक वगैरह भी ठीक कर रही है, लेकिन मैं काफ़ी दिन से नोट कर रहा हूँ कि ये जो है सेहत नहीं पकड़ रही है। जब से कुड़क हुई थी उसके बाद से ये दुबली सी ही है। ठीक है, नीचे चढ़ों के मामला के बाद मैंने कहा कि कुरीज कर रही है या कुड़क से उठी है, इस वजह से दुबली है, लेकिन कुरीज भी अब इसकी आधी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब इसको जेंटल वाला पानी देता हूँ तो इंशाल्लाह डिवॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी, बाद में आपको शाम को खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद है आप लोग हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वो चेक करें, वो लेइंग के लिए बैठी है। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।